वो किसी से प्यार हुआ है? पूछ लिए दो सवाल, अब एक लास्ट रहता है, आपका कभी दिल टूटा है? यार कोई माइक चाहिए था, वायरलेस हो। इसमें मेरे पास एक अच्छा सा ड्रेस भी है, और वो किसके लिए होगा आप खुद सोचो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो फाइनली आपका भाई AK अल्ट्रा आ चुका है। तो आज मैंने करेक्टर लिया, आप खुद बताना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और भाई आज हमारे साथ है हमारा भाई अब्दुल MJ भी। AK अल्ट्रा यार ब्रदर, आपकी मैडम आने वाली है इंटरव्यू आपका लेने के लिए। कौन सी मैडम? आपको नहीं पता? नहीं भाई, अभी वो आएगी, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। यार तो मैं तो रेडी नहीं हुआ यार, मुझे जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। गाइस मेरा अभी इंटरव्यू होने वाला है। यार आपको रेडी होने की क्या जरूरत है, आप रेडी हो? यार मेरे बाल ऐसे हो रहे, मतलब तो यही तो है। अरे हाँ, ये तो स्टाइल हो जाएगा गाइस। तो मैंने सोचा है कि यार मैं इस वाले हीरो का करेक्टर आज मैं लेके दिखाऊँ। सही है, डन हो गया। कोई सवाल पूछना चाहते हो आप? यार मैं तो सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मैडम आपसे बताने क्या क्या पूछने वाली है, इसका कुछ भी नहीं पता। एक शायरी तो सुनाना है यार आप। शायरी? तो यार अब्दुल MJ ने बोला है भाई कोई शायरी सुनाओ, तो मैं आप सुनाने लगाओ। वावा वावा, अरे सुनाने तो दो। वावा, अरे मेरी शायरी है यार, शायरी कर दिया था भाई। मेरे भाई मेरा मतलब कोई मुझे बोलने तो दो यार। मैं हूँ एक इंटरव्यू वाली लड़की, और मेरे साथ एक बहुत बड़ा फेमस इंसान बैठा हुआ है जिसकी सारी वीडियोस देखती हूँ। वाकई में आप मेरी सारी वीडियोस देखती हो? जी जी। वैसे आपका नेम क्या है? सो नंबर वन सवाल, आपका ये हेयर स्टाइल कैसा है? इसकी बहुत लंबी कहानी है। एक दफा मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा ये जूसर मशीन जो भी होती है ना, इसको चला के दिखाओ। मैंने जैसे ही जूसर मशीन जो भी थी वो स्विच में लगाई, मुझे अचानक से करेंट आ गया। अच्छा। और मेरे ऐसे बाल हो गए। तो दूसरा सवाल, आपको किसी से प्यार हुआ है? प्यार तो मुझे बहुत हुआ है, जिसमें से सबसे मेरा पहला प्यार था वो ये था कि एक दफा मुझे ना मेरी अम्मी ने। बार बार अपनी अम्मी का क्यों बोल रहे? मैं अपनी अम्मी का इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी से ज्यादा मुझे प्यार करने वाली कोई भी नहीं है इस दुनिया में। वेरी गुड। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे ना प्यार हुआ था, कब हुआ था ये नहीं पता। गाइस मैंने इन भाई से तो पूछ लिए दो सवाल, अब एक लास्ट रहता है, आपको कभी दिल टूटा है? दिल टूटना मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही है? मतलब जैसे कि दिल टूट के दुख हो जाता है ना इंसान को, वैसा हुआ है आपको? दिल मतलब मैं समझा नहीं, वापस से मुझे थोड़ा बताए। मतलब ये कि आपका दिल टूटा है? कैसे दिल टूटता है मुझे ये भी थोड़ा बताए। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं 2 घंटे से बैठा होता हूँ कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग फुल होने वाली है, पर जैसे ही आके मैं देखता हूँ और मेरा जो चार्जर होता है वो किसी और मोबाइल के साथ अटैच हुआ होता है और किसी और की चार्जिंग हो रही होती है, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मेरा मोबाइल किसी ने हटा दिया होता है चार्ज से। क्या हुआ मैडम, रुके? ये क्या, ये मेरा माइक था मैडम, मेरा माइक तोड़ दिया मैडम, रुके प्लीज़, दो सवाल और सुन लें। यार गाइस मैडम भाग गई यार, मेरा माइक तोड़ दिया भाई। सो गाइस अब मैडम ने जो मेरा माइक एक कागज़ वाला तोड़ा था, अब मैं जाने वाला हूँ शहर में न्यू माइक लेने के लिए भाई, क्योंकि मैडम ने तो ये तोड़ दिया। और भाई इस वीडियो को मतलब आपको हमारे सवाल पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, चलते माइक लेने न्यू। ऐसा यार इतना गुस्सा आ रहा है, मैडम ने भी यार, मैडम क्यों माइक तोड़ दिया यार मेरा, इतना महंगा था। मैं आया हुआ माइक लेने क्योंकि यार इतनी ज़्यादा नॉइस आ रहा है मेरी वीडियोस में, सब कमेंट कर रहे हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, देखो अभी कितना नॉइस आ रहा है। तो भाई मैं एक शॉप पे आया हुआ, मैंने बोला माइक लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। यार कोई माइक चाहिए था, वायरलेस हो, इतना ज़्यादा नॉइस आता है बैकग्राउंड में, बिल्कुल भी नहीं समझ आता मेरी वॉइस से ज़्यादा नॉइस आ रहा होता है। आप ये वाला माइक चेक करें। अच्छा ये कौन सा है? अच्छा इसका यार ये बताया ना कि इसमें क्या क्या फीचर्स है जो स्पेशल हो? इसकी सबसे बड़ी जो आप नॉइस से परेशान है, जी बिल्कुल, ये आपको अच्छी वॉइस देगा।
अच्छा और अच्छा इसका टाइम है टॉक टाइम और आप इसकी लेंथ भी अच्छी है कि आप दूर जा सकते हैं काफ़ी 20 मीटर जिसकी वो डिस्टेंस है कि आप कोई मेंटेन करता है वहाँ तक वो इस यार ये तो अच्छा बहुत अच्छी लग रहा क्वालिटी है बहुत अच्छी चीज़ है यार फिर इसको ओपन करके दिखा दे और ये कितने का है ये भी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कितने का है दूसरी ब्रांड्स वगैरह पे जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे होते हैं ये आपको मिल जाता है 4 से 5 हज़ार के करीब में मिल जाता है अच्छी चीज़ है और अच्छी अच्छा और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ आप डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट हो या भाई हैदराबाद में जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है आपका नाम उजैर भाई से जो भी सामान लेना हो ले लेना अच्छे डीलर है फिर यार इसको ओपन करके दिखा दें आप और ये भी भाई आपका नाम हरीश कुमार बाबा ये है भाई ये टाइप सी कनेक्टर में भी हो जाता है लाइटनिंग में भी हो जाता है ये आपका माइक आ गया सही है यार ओके यार अगर सपोज मैं इसको लगा रहा हूँ आप लगा रहे हो या और दूसरा वाला सामने वाला बंदा हो तो इसकी वॉइस भी आएगी इसमें या सिर्फ उस बंदे की आएगी जिसके पास माइक हो देखिए ये आपके ऊपर है कि आप इस माइक को कहाँ पर करते हैं ना अगर अपने हाथ में आप रखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोनों की आवाज आएगी जैसे कि एक के पास माइक है और एक के पास नहीं है आपकी होगी ना अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपकी होगी अगर आप किसी का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो दोनों की आएगी अच्छा चले भाई इसको ट्राई करके दिखाते अब होप यही है कि अच्छा होगा इंशाल्लाह तो भाई अब माइक हमने यूज़ कर लिया है अब देखो हेलो सबसे पहले माइक चेक करने से पहले हम क्या बोलते हैं हेलो तो आवाज़ मेरी आ रही है आपको नॉर्मल रेंज में अगर आपको चाहिए ना तो बेहतरीन चीज़ है अच्छी चीज़ है गाइस फाइनली यार मैं माइक ले चुका हूँ अब मैं जा रहा हूँ भाई दूसरे सामान लेने क्योंकि वीडियो शूट के लिए यार बहुत ज़्यादा सामान लेने होते हैं आपको क्या बताओ अब यहाँ रोड पर खड़ा हूँ मैं आप देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है बाइक की रेस देखो खैर अब चलते हैं अपन ये माइक लेके और भाई लाइक कमेंट कर देना यार सो यार आज पहली वीडियो मैं अपने माइक से बना रहा हूँ वो भी भाई रोड पे इतना ज्यादा नॉइस है रोड पे सच बता रहा हूँ पर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी है ना खैर हम लोग अभी घर निकलने वाले मेरे को भाई बहुत सारा सामान चाहिए था अपनी वीडियोस के लिए तो मैं ले चुका हूँ और साथ में मेरे पास एक अच्छा सा ड्रेस भी है और वो किसके लिए होगा आप खुद सोचो भाई हमारा क्यूट भाई खैर अभी रोड पे आए हुए हम लोग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सन्नाटा और साथ में इतनी गर्मी तेज़ की यार बहुत गर्मी लग रही है भाई तो यार अब चलते हैं सफ़र की दुआ पढ़ लेना भाई जब भी आप लोग सफ़र में हो सो गाइस यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ अब आपको एक अच्छी बात बताऊँ मैं मेरे स्टार्ट वीडियोज़ में भी ऐसे बाल हो रहे थे और एंड वाले सीन में भी ऐसे बाल हो रहे देख रहे हो आप यार इतना मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने के टाइम बिल्कुल भी होश नहीं होता कि बाल कैसे नज़र आने चाहिए किस बालों में मैं अच्छा नज़र आता हूँ खैर आप लोग यार बस सपोर्ट करते जाओ और प्यार आपका जो है ना सीरियसली बहुत प्यारा है और मैडम जो हमारी वो हमें सामने से देख रही है खैर यार आप यहीं से करते हैं इस वीडियो को एंड लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना और भाई बस कल की वीडियो बड़ी खतरनाक आने वाली है आवाज़